हाय गाइस, सबसे पहले तो मेरी पिछले तीन वीडियोस की 2.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज होने की खुशी में मैं आप सबका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वीडियोस के वायरल होने की खुशी में मेरे अंदर का शोधा आदमी अभी जिंदा होने ही वाला था कि अपने सगे घर वालों से 300 रुपए की बिरयानी छुपा कर खाने वाले इस अपराधी को देख कर मेरे दिल पर तो मानो जैसे परमाणु हथियार चल पड़ा हो। आज का सीबी रिव्यू नींबू मैक्स के इस शानदार क्रिएटिव पीस पर है। वैसे तो बकवास ऐड बनाना भी एक टैलेंट है, लेकिन हम इस ऐड के क्रिएटर्स को माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते को इंतहाई नहुसत से प्रेजेंट करने की खुशी में तमगाए जलालत से भी नवाजना चाहेंगे। वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये भाई बहुत ही गुड लुकिंग है, लेकिन सीबीए रोस्टिंग की जिम्मेदारी उठाते हुए हम इस पूरी वीडियो में इन भाई को ऋतिक रोशन की बेवा कहकर मुखातिब करेंगे। एड के शुरू में ऋतिक की बेवा गालिबन अपनी दूसरी बेवा दोस्तों के साथ पूरा दिन वन व्हीलिंग करने के बाद रात को डिनर के वक्त घर में एंटर होते हैं और माँ के कैरेक्टर को इतनी नहुसत से निभाने वाली ये आंटी ऋतिक की बेवा की भूखी शक्ल देकर उनको रोटी की ऑफर कर देती है, जिस पर बेवा भाई बिल्कुल वैसी शक्लें बनाते हैं जैसे समंदर किनारे मैंगो पार्टी करने वाले मर्द अक्सर अपनी शलवार में रेत के घुस जाने पर बनाते हैं। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि ऋतिक की बेवा भाई ने अपनी पतलून इतनी कस कर ऊपर बांधी हुई है कि अगर थोड़ा सा और ऊपर करके निपल्स भी ढांप लें तो शायद शर्ट पहनने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। बेवा भाई इनकार करके अपनी बीवी की तरफ बिल्कुल वैसा ही इशारा करते हैं जो अक्सर ट्रक ड्राइवर हजरात महीनों घर से दूर रहने के बायस हशियारी चढ़ने की सूरत में अपने सेकंड सीटर बॉय को देख कर करते हैं। I don't like my job. सिग्नल के मिलते ही बहू के अंदर का TCS अफसर जाग जाता है और वो सब काम छोड़ के अपने हस्बैंड के बैग को डिलीवर करने के लिए बेडरूम में चली जाती है। यहाँ तक गंदी थिंकिंग वाले ऑडियंस ये समझते हैं कि बैग में शायद कोई ऐसी जादू की गोली लाई गई है जिसकी मदद से छोटे भाई की बेटी को फाइनली कजन नसीब हो जाएगा। लेकिन घर की आखिरी लाइट बंद होने के बाद ऋतिक की बेवा और उनकी बीवी कमांडो एक्शन करके रूम से बाहर निकल आते हैं। यहाँ बीवी के एक्साइटमेंट भी देखने लायक है जो मुन्नी काकी बनते हुए छलांगे मारते हुए लिविंग रूम से किचन में डिलीवर हो जाती है। खुदा खुदा करके सस्पेंस तब खत्म होता है जब बैग के अंदर से दो सस्ते टिफिन निकलते हैं जिनमें बिरयानी या कराची वालों के लिए बिरयानी निकलती है। यहाँ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि बिरयानी शायद दुनिया की वाहिद ऐसी खाने की चीज है जिस पर सब कराची वाले ऐसे सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे दुनिया के हर कॉर्नर पर बनने वाली बिरयानी को पास या रिजेक्ट करने का ठेका सिर्फ कराची वालों के पास ही है। इससे पहले कि कुछ लोग इस बात से ऑफेंड होकर अपना मुहाजिर कार्ड यूज करते हुए मेरी बोरी तैयार कर लें, मैं ये कहना चाहूंगा कि कराची की बिरयानी मुझे बहुत ही पसंद है जिसको खाते और निकालते दोनों वक्त चीखें निकल जाती हैं। विच रिमाइंड्स मी कि हम यहाँ पर एक पखाना टीवीसी का रिव्यू भी कर रहे हैं जिसमें ऋतिक की बेवा चावलों को चूल्हे पर रखकर हिलाना शुरू हो जाते हैं और मुनिका की बहन पीछे चूल्हे पर बैठ के ऐसे एक्साइटमेंट से सब कुछ देख रही होती हैं जैसे नीचे चावल नहीं सांप और न्योले की लड़ाई चल रही है। रोमांस और खुशी की इंतहा होती नजर आना शुरू हो जाती है और चावलों के चमचे दिल की धड़कनों से ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाते हैं। ऑडियंस हलाल इश्क के नजारे के मुंतजिर होती ही हैं कि अचानक लड़की अपने जज्बात को काबू में ना रखते हुए जानू बीबी की ऐने के साथ शोधी हरकत कर देती हैं। ऐसे मौकों पे जहां वेस्टर्न कपल्स टेबल से क्रॉकरी नीचे फेंक कर गुत्तम गुत्ता नजर आते हैं, वहीं देसी कपल्स शादी के बाद भी इसी बात से डरते रहते हैं कि कोई सुन ना ले। स्टीमी सेशन और रायते वाली डिकारों के बाद हमारी मुन्नी काकी की आंखें कुछ देखकर उसी तरह बाहर निकल आती हैं जैसे प्लेन के टच डाउन होने से पहले ही देसी पैसेंजर सीट बेल्ट से बाहर निकल आते हैं। यहाँ मेरी उर्दू की वीक वोकैबुलरी में शानदार इजाफा तब होता है जब मुन्नी काकी बेबी इस चीज को खुरचन कहकर पुकारती है। क्यूटी पाई को ख्याल आता है कि अगर खुरचन ऋतिक की माँ ने देख लिया तो चीप आंटी 250 रुपए की बिरयानी के प्लेट के पीछे भी इशू क्रिएट कर देंगी। मुन्नी काकी का डर के मारे वजू टूटता देख ऋतिक की बेवा फौरन उसी मिस्टीरियस बैग में से जिसमें शायद उसामा बिन लादेन और इराक के केमिकल वेपन्स भी पड़े हैं एक अदद लेमन मैक्स की टिकी भी निकाल लेता है जिसको यूज करते ही कंप्यूटर एनिमेशन की मदद से खुरचन और दीगर दाग साफ हो जाते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन इतनी जानदार होती है कि अगर यही लेमन बार रोटी पर लगाकर खाया जाए तो लोगों के गंदे इखलाक भी साफ हो जाएं। क्यूटी पाई फ्राई पैन को अपनी बगलों की तरह सूंघने में बिजी ही होती हैं कि पीछे से ऋतिक की बेवा लेफ्ट का इंडिकेटर लगाकर राइट से एंट्री दे देते हैं। सुबह होते ही नहुसत की ओवर एक्टिंग करने वाली ये आंटी अपनी बहू से मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ लेती हैं। बहू जी, जब से मैक्स बाहर आया है बिरयानी नहीं आई। इसको सुन के ऋतिक की बेवा की भी सिंधी बिरयानी निकल जाती है। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a